तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि यदि आप स्नैपडील से कोई ऑर्डर किए हैं और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कैसे उस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। आइए मैं पूरा तौर तरीका बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। और लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज उस समय आप स्नैपडील एप्लीकेशन को सबसे पहले करेंगे ओपन। ओपन करेंगे तो हमारे सामने फेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको प्रोफाइल का। इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन हमको दिखेगा माय ऑर्डर का, यहाँ पे देख सकते हैं। इस माय ऑर्डर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे जो ऑर्डर है दिखाई देने लगेगा। अब मेरा ऑर्डर कन्फर्म भी हो चुका है, हमें इसको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे एरो जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए एक बार और दिखाना चाहूँगा, बैक आकर यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना, एरो, इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए मेरा ऑर्डर हो चुका है और यहाँ पे पैकेट वगैरह शिफ्ट वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे हमको इसको कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल करना है। तो हमको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे जो कैंसिल की बटन दिख रही है ना, इस कैंसिल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, रीजन आपसे पूछेगा आखिर क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर रीजन। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि कोई इसमें से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम दूसरा वाला ले लेते हैं, ठीक है, आप भी कोई ले लीजिए। कमेंट बॉक्स में चाहें कुछ भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम कैंसिल लिखेंगे, CANCEL, ठीक है, कैंसिल। और यहाँ पे कंफर्म कैंसिल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो रिक्वेस्ट यहाँ पे देखिए हो गया सक्सेसफुल, हमारा ऑर्डर जो कैंसिल हो चुका है। और दोस्तों आपको बता देना कि आपका जो पेमेंट वगैरह यदि किए होंगे तो आपका जिस अकाउंट से कटा होगा उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको पसंद आएगी। देखिए मुझे एसएमएस भी आ चुका और मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।